I think the credit goes to Narayan ji. वो एक को कैसे चार करता है मुझे समझ में नहीं आता. मैंने एक ही दिन रिकॉर्डिंग किया बट ही मेक्स द होल थिंग यू नो सो इंटरेस्टिंगली ही डिवाइड्स इट सो विदाउट गिविंग मी मच ट्रबल. बिकॉज आई एम नॉट अ रेगुलर सिंगर तो नहीं हूँ मैं भजन गाने का शौक जरा सा एक्सप्रेस किया था नारायण जी को तो उन्होंने पकड़ लिया. तो आई रियली मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे ऊपर इन्होंने भरोसा रखा ट्रस्ट किया और इतने गाने मेरे से इतने भजन मेरे से गवाया है. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड ऑल्सो द क्रेडिट गोज़ टू विवेक जी जिन्होंने म्यूजिक दिया और मेरे सुर के हिसाब से देते हैं क्योंकि आई कैन सिंग इन अ वेरी हाई पिच एंड ऑल्सो आई कीप टेलिंग प्लीज मेक इट प्रॉपर फॉर मी. एंड आई एम ग्रेटफुल टू Guruji also for giving lovely beautiful songs in the beginning. Mera ek 8 gaane ke album diya tha inhone Narayan ji. He is one of the best writer in our country. So Bhakti Krishna bhajan itna sundar likhte hain aur har isme gaane ke sath sath mera bhi naam jodte hain to bada mujhe acha lagta hai. नारायण पदगाओं मैं हेमा सब आता गाने भजन में. सो इट्स वेरी वेरी स्वीट एंड नाइस एंड आई थिंक वेरी वेरी कैची ट्यून्स एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल. आई लव सिंगिंग. इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी टू सिंग. मे बी मेरी आवाज़ सबको मालूम है तो वो जब भजन भी गाते हैं तो दे नो लिंक विद मी. तो लगता है कि ये तो हम जानी पहचानी आवाज़ है जो इतने फिल्मों में जो डायलॉग्स बोले हैं लेकिन गाने के रूप में जो आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो पद लिखते हैं उस पर गाने का बहुत मज़ा आया. आई लव्ड आई एंजॉयड एंड वन मोर थिंग मैं बताऊंगी कि संगीत के दुनिया में जो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर्स उन सबको साथ मैं इतना हमारी मुलाकात हो नहीं पाती है क्योंकि हम लोग अलग दुनिया में हैं. फिल्म एक्टिंग में रहते हैं शूटिंग करते हैं बट ये लोग इतना अच्छा म्यूज़िक बना के देते हैं जिसका हम लोग लिप सिंक करते हैं. उनसे ज़्यादा आमने सामने होने का इतना अवसर नहीं मिला उन दिनों में. आजकल मिलता है बहुत लेकिन आजकल इतने बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनके साथ मुझे डुएट गवाया है इन्होंने. दैट इज़ सुरेश वाडकर जी के साथ यू नो ही सच अ लवली सिंगर. उनके साथ अनूप जलोटा जी शंकर महादेवन सोनू निगम और कौन नितिन मुकेश अभी नितिन मुकेश भी उनके साथ भी. सो इट इज़ सो लवली यू नो सो सिंग डुएट भजन विद दिस ग्रेट सिंगर्स. एंड देन आई हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सिंग अंडर द गुरुजीज चौरसिया जीज जो इन्होंने जो ट्यून बनाई उस पर दो तीन भजन गाए नहीं तीन चार भजन गाए ना राम के ऊपर भी एक था राम के अनुराग. सो लाइक दैट ऑल सब सी आई बिलोंग टू डांस एंड फिल्म बट दिस म्यूजिक वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल सो इंटरेस्टिंग. इस पे आना और इसके साथ रहना इन सब लोगों के साथ जुड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है. आई एम ब्लेस्ड आई मस्ट से. प्लीज़ कम. पहली बात तो हेमा जी बहुत भोली हैं. मतलब हम जो कह देते हैं उसके कोई तर्क नहीं कोई प्रश्न नहीं और बड़े आनंद और भक्ति के साथ वो कार्य कर लेती हैं. एक विश्वास है हमें इनके प्रति विश्वास है तो वो विश्वास के कारण ही ये कार्य संभव हो सकता है. और हेमा जी को कभी मैंने पकड़ा नहीं. ठाकुर जी ने भगवान कृष्ण ने इनको पकड़ा और हमको पकड़ के रखा हुआ है तो वो ऐसा हम लोगों का भगवान की कृपा से संयोग बन जाता है कि देखिए इतनी महान हस्ती हैं जिनके बारे में दो शब्द नहीं युगीन जिनको कहना चाहिए. देश की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और समाज सेविका के साथ मतलब भगवान ने सर्वगुण संपन्न कर रखा.
तो एक भक्ति का जो क्षेत्र था उसमें एक दिन ये गुनगुना रही थी, तो बस उसको मैंने पकड़ लिया कि हाँ ये गुनगुना रही है, तो इसको जो है। और ठाकुर जी के प्रति तो श्रद्धा ही है, कितनी पवित्र मन से, कितने समर्पण के भाव से, डेडिकेशन के भाव से, आज 10 वर्ष के स्वरूप ही बदल गया है। जो नगरी जो है जाने लायक नहीं थी, अजीब थी, जिसको कहता मैं खुद जा कर के दुखी होता था, वो एक एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के रूप में उसका विकास किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो गुण होता है ना, मेरा यही समझना था कि हेमा जी के अंदर जो भगवान की दया से गुण है, तो वो गुण क्यों ना ठाकुर जी ने हमें प्रेरित किया, उनका आदेश था और वो आदेश का मैंने पालन किया। मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, बस इतने ही कहूँगा। और सबका स्नेह है, विश्वास है, प्रेम है, प्रेरणा है, तो ये कार्य संपन्न हो जाता है। जिनको हमेशा इतना चाहा है, सराहा है और फैन रहे हैं, और जिनकी खूबसूरती का, जिनके नृत्य को भगवान स्वयं आकर देखते हैं, वैसे हमारे प्रिय हेमा जी के साथ गाने का अवसर मिले ये मैंने सोचा ही नहीं था। और इतनी मासूमियत और इतने प्यारेपन से उन्होंने गाया है, मैं नर्वस हो रहा था कि मैं मैच कर पाऊंगा कि नहीं, मगर बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे जीवन के लोकप्रिय गीत हैं जो हेमा जी पर फिल्माए गए हैं, क्रांति का जिंदगी जिंदगी की न टूटे, वो मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे जीवन का तो सर्वोत्तम गीत है, मगर हेमा जी के अभिनय से 4 चांद उसमें लग गए। वो ही श्री कृष्ण के चरणों में जो हमने भजन गाया है, प्रभु करे वो भी जैसे ही सबको अच्छा लगे वो। मगर आज मैं बेहद खुश हूँ कि इतनी महान हस्तियों के उपस्थिति में मैं यहाँ बैठा हूँ। हरि जी के लिए जो कहें वो कम है, आपने तो इतिहास विश्व भर में लिखा है। नारायण जी, विवेक जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा और स्वर्गबद्ध किया है, मगर हाँ आपका प्रश्न, आई वॉन्ट टू रीआइटरेट अगेन कि हेमा जी के साथ गाते हुए मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। अनूप जी का म्यूज़िक है, बस अनूप जी को देखा नहीं मैंने अभी यहाँ पे, तो मुझे ये पता पड़ा कि उनका कल था प्रोग्राम। अनूप जी ने मुझे रिकॉर्डिंग वाले दिन ये वादा किया, मैंने कहा अनूप ये प्रॉमिस करिए कि ये शुरुआत जो हुई है ये चलती रहेगी, तो फ़ोन पे उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये प्रॉमिस, ये मैं कसम खाता हूँ, प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। मैंने बोला वाह, बाकी का जीवन 75 साल की उम्र में और क्या मांग सकता है एक कलाकार, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनूप के संगीत में, नारायण जी के लिरिक्स, और फिर हेमा जी आपके संग गाने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। सो मच ऑफ फीलिंग के साथ इन्होंने इतना अच्छा गाया कि दैट सॉन्ग इज पिक्चराइज, सो आई ऑलवेज हैव अ वेरी फैसिनेशन फॉर योर वॉइस, द वे यू सिंग। तो मुझे नारायण जी ने अभी मौका दिया, आपके साथ गाने का ही अवसर मिला, तो बड़ा बहुत ही अच्छा लगा। तो आई वॉज वंडरिंग कि मैं कैसा, आपके इतने बड़े सिंगर के साथ सब मुझे खड़ा कर देते हैं नारायण जी और मुझे गाना पड़ता है। अब तो ये साहस शुरू किए मैंने, तो नारायण जी पूरी एल्बम करिए ना हेमा जी और मुझे तो बहुत अच्छा लगे। सत्य तो ये है ना कि हेमा जी के साथ गाने के सभी कलाकार इच्छुक रहते हैं, मैं कैसे अपने शब्दों में को संकोच के साथ कहता हूँ, क्योंकि अब घर घर मतलब आपके गायन को लोग सुन रहे हैं, भक्ति गायन को सुन रहे हैं, और लगभग समझते हैं कि देश की जनता का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है सुन रहा है। और इस समय इस बार तो एक ऐसा भगवान ने कोई कृपा करी है शायद इतिहास में, म्यूज़िक वर्ल्ड में जब से डिजिटल आया, कि 4 ट्रैक रिलीज़ हो रहे हैं, कभी नहीं किसी का हुआ होगा, एक हुआ होगा, पिछले वर्ष 2 किया, इस साल 4 हो रहा है। बहु ठाकुर जी से कहूँगा कि अगली बार 6 करें, फिर हमारा 8 ट्रैक एक ही दिन में रिलीज़ हो जाए।
मैं हरदम ज़्यादा ही मांगता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी तो एक ट्रैक से करी थी पहले वाले में, जसराज जी, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, सारे लीजेंड्स, और पंडित राजन साजन मिश्र और पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बताइए, देश के ये मूर्धन्य कलाकार ही नहीं, अमानत हैं, जिनको कहते हैं इतिहास है, पिलर्स है, उनके साथ ही हो गया। तो ठाकुर जी की कृपा अगर हम पर रहेगी तो आगे भी हम अच्छा अच्छा कर पाएंगे। और मेरा लक्ष्य क्या है आप बता दें। इस वर्ष हमारे साथ जुड़े मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं श्री किशोर कुमार मोहता जी ने, जो कि जिन्होंने संस्कार चैनल की स्थापना करी, और उसके बाद आज भक्ति सागर चैनल है उनके पास 24 आवर्स डिजिटल में, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, और उसमें 1.17 करोड़ जी का टीवी चैनल पे भी, भक्ति सागर टीवी चैनल पे भक्ति के क्षेत्र में, और दो दो चैनल यानी क्लासिकल जो मेरा संस्थान है और भक्ति सागर, दोनों साथ रिलीज अभी कर चुके होंगे, जिसकी लिंक मिल जाएगी। और दो ट्रैक जो हेमा जी का है नितिन भैया के साथ जो है डुएट है, और आपका सोलो है, वो जी म्यूजिक कर रहा है। तो हम समझते हैं कि ये कैसे हो जाता है, भगवान की कोई कृपा होती होगी तभी तो हो जाता होगा। बस ठाकुर जी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है। मैंने तो मेरे हिसाब से गाना बनाता है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेशा करते हैं, एंड ही मेक्स मी डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल आल्सो। मैं तो समझता हूँ मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट दिन था जब मेरी भेंट आज से कई वर्ष पहले आदरणीय नारायण जी से हुई। और ऐसा कौन है जीवन में जिसे नारायण नहीं चाहिए। तो नारायण जी से जब मेरी भेंट हुई तो वहाँ से जो हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और मैं पूरा पूरा श्रेय इन्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया उस समय जब बहुत शुरुआती समय था। तो वहाँ से लेकर के आज ये यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो आपको सबसे पहला प्रणाम, पहला धन्यवाद। और आदरणीय हेमा जी के साथ में मैंने बहुत साल पहले एक बहुत फेमस एक छोटा सा जिंगल किया था, तो वहाँ से आज नारायण भैया के कम से कम मेरे ख्याल से 20 भजन तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 20 25। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं हेमा जी की सिंसियरिटी जो है वो मैं हमेशा उसका बड़ा फैन रहता हूँ। ये कभी किसी चीज़ को कच्चा नहीं छोड़ती, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को कैसे कहना है, कैसे धुन है, क्या है, यदि कोई परेशानी है तो भी बताती है, नहीं है तो एंजॉय करके इतना अच्छा, जब जाओ समय पे हमेशा मिलना, समय पे पूरा ध्यान दे करके रिहर्सल करना, जो आजकल के कलाकारों में मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सीनियर है, सारी दुनिया में काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी मेहनत से और इतना मन से प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती हैं, ये छोड़ती नहीं है कोई भी चीज़। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैंने आपसे सीखी हमेशा। आदरणीय पंडित जी को कौन नहीं जानता, तो पंडित जी के साथ में भी मैंने भैया के लिखे हुए, नारायण जी के लिखे हुए कई गाने जो कंपोज किए थे, तो उसको मैंने संगीत में मतलब म्यूजिक अरेंजमेंट किया, मुझे बड़ा आनंद आया। वो तो एक इनका जहाँ प्रभाव है वो क्लासिकल संगीत में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन भजन के शब्दों के साथ कैसे न्याय करना है वो भी आप जब धुन सुनेंगी तो आपको हमेशा दिखाई देगा कि कितना सुंदरता से एक एक शब्द को पंडित जी पिरोते हैं अपनी धुनों में। और नितिन जी के साथ तो मैं क्या बताऊँ, मेरे तो बड़े पुराने संबंध निकल आए, और मैंने इनको बहुत बहुत ज़माने से देख रहा हूँ, और मेरे लिए एक सपना जैसा है साकार हो रहा है, तो उसके लिए भी नारायण जी ने अवसर दिया कि आया इन्होंने, मैंने पूरा प्रयास किया और आपने उसको सामने से पूरा मूर्त रूप दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर भजन को, भजन का कोई पर्याय भजन शब्द हो तो श्री अनूप जी और हरिओम शरण, यही दो नाम हमारे चेतना में आते हैं जी। बिल्कुल, उन्होंने तो 150-200 पद हमारे गाए होंगे जो हमने नहीं लिखे, जो ठाकुर जी ने लिखवाए, पर हेमा जी ने भी धीरे धीरे करके 20 पद गा दिया। तुम समझते हैं अनूप जी के बाद सबसे ज़्यादा संख्या है एक एक गायक की, भक्ति गायक की, वो हेमा जी को है। तो बस ये कहना चाहता हूँ आपका क्रेडिट है, क्रेडिट गोज़ टू यू, ये आपका बड़प्पन है, आपने हरदम हमको क्रेडिट दिया, पर क्रेडिट टू यू कि आपने हम पर विश्वास, आस्था रखा, प्रेम रखा, स्नेह रखा, इसलिए सारा संभव हो पा रहा है। और ठाकुर जी की कृपा है, जैसा आपने बराबर कहा कि ऊपर से कुछ ना कुछ लिखा होता है। और मैं विश्वास के साथ जानिए, आज जब वृंदावन मथुरा जब यात्रा मैंने किया पिछले वर्ष होली पे हेमा जी के साथ जो है राधा मीरा उत्सव किया,
और वो हमारा जो मंदिर था जो जहाँ हम लोगों ने रिलीज किया राधा रमन मंदिर में किया रिलीज किया, तो मैंने देखा कि घर घर में वहाँ पर जो है हेमा जी के भजन सुने जाते हैं, भगवान ठाकुर जी की सेवा भी प्रारंभ होती है सुबह के लाउड स्पीकर में लगता है, संध्या के समय मैंने मथुरा में देखा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में कि आपका भजन बज रहा था, तो जाकर उस ऑफिस में हमने पूछा कि और कौन कौन से भजन जाते हैं, तो वो सीधी वहाँ पर लोड करके रखी थी, नित्य सेवा में होती, तो ठाकुर जी की सेवा स्वयं साक्षात वहाँ पर करती हैं, अपने तन मन धन से करती हैं और अपनी वाणी से तो करती हैं, और अपने और शास्त्रीय कला के द्वारा जो है नृत्य के द्वारा भी उन्होंने जो है राग सेवा करी है, अद्भुत है, अद्भुत है। अनुज जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि अनुज जी इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, और उन्होंने सदा सहयोग किया है और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा है कि कुछ पलों में आ जाएंगे, उन्होंने वादा किया कि मैं आऊँगा और शायद कुछ पल देर होगी आ जाएंगे मंच पे, हम जरूर उनको देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि नितिन भैया के लिए इतना अच्छा, एक बात तो बहुत ज़रूरी था जो मैं कहना भूला, इतना सरल व्यक्तित्व है, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व, जिसे कहते हैं ना कि एक मानव के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो नितिन जी के अंदर हमने देखा, और आज नहीं देखा, तो हमने एक दिन फ़ोन पे बात किया तो कहा नारायण जी हम तो अपने पापा जी की कुछ भी नहीं, अगर पापा जी से आप मिलते तो पता चलता कि जिन जिनके बारे में कहते हैं निर्मलता है, सरलता है, शुद्धता है, तो जब ये भजन गाते हैं, हम छोटे थे तो पापा जी का मुकेश जी का, आदरणीय मुकेश जी का जो हम भजन सुनते थे, बहुत मैं गा के बता रहा था कि पापा जी का ये भजन का, हाँ नारायण जी आज वो भी लूँगा, मतलब आज उनका कल उनका कार्यक्रम है ना, तो ये बस भगवान की कृपा है कि संयोग बन जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज मेरा गायन भी और मेरी बिटिया का कांक्षा का गायन भी एक ट्रैक रिलीज हो रहा है। वो कैसे हो गया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, श्रद्धेय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी मेरे बड़े भाई गुरु भाई रहे प्रयाग में इलाहाबाद, क्योंकि हम लोग तो अभी यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं म्यूज़िक, इट्स अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा सा सुंदर सा माहौल है, लेकिन दिल के कोने में यही बात बार बार आ रही है कि ऐसा हमारे देश में क्यों हुआ। पिछले 4-5 दिन से जो हम टेलीविज़न में देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्या हुआ, इट्स वेरी हार्टनिंग टू लिसन टू ऑल दिस थिंग व्हाट हैपेंड इन आवर कंट्री, इट्स वेरी वेरी सैड व्हाट हैपेंड, तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा ग्रूसम, तो दिल दहक जाता है सुनकर, तो यू फील वेरी अनसेफ इन दिस एटमोसफियर, यू नो, तो स्पेशली ख़ास तौर पर हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे घर में हर घर में बच्चे हैं, तो उसका हाउ टू टेक केयर ऑफ देम इज द थिंग। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं, वो इसका ज़रूर निवारण करेंगे, एंड देन आई हैव फुल फेथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इसका बहुत अच्छा सा जजमेंट ज़रूर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये गाना मेरे लिए बनाएंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगी, ज़रूर गाऊंगी। आई लव टू सिंग। इसके पहले मैंने हेमा जी के साथ गाया है और मुझे इनकी योग्यता गाने में पता है, तो मैंने उस हिसाब से गाना बनाया, पहले जो इन्होंने मेरे साथ गाया था कितना अच्छा गाया था, उस तरह की धुन बनाई। नितिन का गाना तो दुनिया जानती है, इनके लिए क्या सोचना है, तो नितिन ने भी बहुत प्यार, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी मैंने नितिन से बात भी की थी फ़ोन पे, मेरा बहुत दोस्त है, वो बहुत दोस्त है, तो मैंने फ़ोन पे बोला कैसा लग रहा है गाना, तो मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत खुशी है कि मेरी इस कंपोजिशन को हेमा जी ने और नितिन मुकेश उन्होंने गाया है। भगवान से ये प्रार्थना है कि घर घर पहुँचे ये गाना, और जब इस पे आज के जो भगवान कृष्ण हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी पंडित जी, इनका हाथ लग गया तो सब अच्छा ही हो गया, हम इनको कृष्ण मानते हैं आज पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसे ही कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते होंगे, ऐसी बांसुरी तो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम कभी सुन सकेंगे जो पंडित जी बजाते हैं, तो बहुत ही कृपा की पंडित जी आए हैं समय निकाल के, हम सबको आशीर्वाद दिया है, तो मेरी ओर से नारायण जी को धन्यवाद है, इनके शब्द तो बहुत सुंदर होते ही हैं, भक्ति से भरे हुए होते हैं,
विवेक प्रकाश जी ने संगीत संयोजन किया है, अरेंजमेंट सॉन्ग का होता है, बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारी टीम को आप लोग सब आशीर्वाद दें कि हम लोग आगे भी अच्छा काम करें। कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण चरण में करो भरोसा, कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण चरण में हरे रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आदि कृष्ण सौ कृष्ण अंत में सुख उपजे नित्य कृष्ण पंथ में। आदि अंत सौ कृष्ण अंत में सुख उपजे नित्य कृष्ण। अभी ऐसा गाएंगे तो खराब लगेगा, तो पूरा इम्प्रेशन करो भरोसा, कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण शरण में।